कुवैत के अंदर प्रवासियों के लिए कुछ ज़रूरी न्यूज़ है इस वीडियो के अंदर इसलिए न्यूज़ आखिर तक ज़रूर देखें कुवैत के अंदर सबसे पहली जो खबर है कुवैत में कुवैत की तरफ समुद्र में बढ़ते हुए एक बोट के अंदर दो एशियाई लोगों को देखा गया उसके बाद में उनको पकड़ा गया जब पकड़ा गया और उनको तलाशी ली गई तो वहाँ पे उनके पास एक बैग मिला जिसके अंदर एक डब्बा था उसके अंदर जो कुछ ऐसा सामान था जो कुवैत के अंदर बैंड था लाने के लिए उनको पकड़ा गया ये सामान और इलीगल तरीके से कुवैत में आने के लिए उनको पकड़ा गया आगे पूछताछ के लिए कार्रवाई के लिए भेजा गया इसके बाद अगली जो खबर है एक इंडियन को लेकर अहमदी गवर्नरेंट के अंदर एक इंडियन आदमी पैदल जा रहा था जिसके बाद उसके पास में दो लोग आए और उसे कहा कि हम पुलिस हैं हमें अपना सिविल आईडी कार्ड दिखाओ जब उसने सिविल आईडी कार्ड दिखाया तो उन्होंने उसके पास कुछ दिनार थे वो ले लिए उसके पास जो फ़ोन था वो ले लिया और उसके बाद उसको डरा धमका के भगा दिया बाद में उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई पुलिस स्टेशन में और बहुत ही जल्द जाँच शुरू कर दी बहुत ही जल्द ये लोग पकड़े जाएंगे जो कि दो पुलिस बता रहे थे कुवैत के जो कि नकली पुलिस थे और इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा इसके बाद अगली जो खबर है कुवैत के अंदर सद्दाम हुसैन नाम का एक बांग्लादेशी आदमी को पकड़ा गया जिसने लगभग काफी टाइम से लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस लोगों से पाँच के डी और दस के डी इकट्ठा करता था काफ़ी टाइम से यह धंधा कर रहा था रिश्वत लेने का जिसमें लगभग उसने तीस हज़ार के डी कबूल किया कि अब तक तीस हज़ार के डी इकट्ठा किया है पंद्रह हज़ार के डी उसने बांग्लादेश भेज दिया है और पंद्रह हज़ार के डी यहीं पे उसके पास हैं यानी कि कुछ लोगों को दे रखा होगा जिसमें उसने ये खुद उसको पकड़ने के बाद में कबूल किया गया और उसके बाद उसके ऊपर जो ऑफिसर है यानी कि जो कुवैती है जो अंदर बैठता है महकमे में उसको तलाशी ली ले गई लेकिन उसके पास में कोई भी नगदी ऐसा कोई जो है दिनार नहीं मिले एक साथ में कि उसने कोई रिश्वत वगैरह ली हो ऐसा कुछ भी नहीं मिला इसलिए कुवैती को बरी कर दिया और उसको बांग्लादेशी को तीन साल की जेल की सज़ा सुनाई गई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कुवैत की कुछ नई और इंपॉर्टेंट खबरों के लिए